2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका इस प्रदेश की महान जनता ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने नेता के रूप में आज के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चयन किया। और तब काफी लोगों के मुझ पर फोन आए थे, जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्युनिसिपैलिटी भी नहीं चलाई है, वास्तविकता थी, नहीं चलाई थी। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे हैं, योगी जी सन्यासी हैं, पीठाधीश हैं, और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बराबर है। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेता है। और यही दो मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था, और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं वो निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो उचित ही था और योगी जी ने उसको उचित ठहराने का काम किया।